कानपुर से खबर है, शिक्षक रमेश बाबू शुक्ला के हत्यारे को सजा है। आईएसआईएस सदस्य आतिक मोहम्मद फैजल को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने दोनों को ये सजा सुनाई है। कानपुर में अक्टूबर 2016 में रमेश बाबू शुक्ला नाम के एक रिटायर्ड टीचर की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इस केस से जुड़े दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। आतिका मुजफ्फर और फैजल नाम के इन दोनों दोषियों का आईएसआईएस से करेक्शन बताया जाता है। अदालत ने इन्हें मौत की सजा देने के साथ ही इन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनने पर कानपुर के शिक्षक रमेश बाबू शुक्ला की हत्या कर दी गई थी और आज कोर्ट ने दोनों हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। हमारे साथ एनआईए के विशेष वकील ब्रजेश यादव जी हैं। सर, आज कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है, ये कैसा, किस संदर्भ में इसको माना जाए? देखिए, आज जो फैसला एनआईए जज लखनऊ ने दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। ये फैसला उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस की जो जड़ें फैल रही थी उससे संबंधित है। इसमें आज दो अभियुक्तों आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल को एक नहीं बल्कि 3-3 धाराओं में उसको फांसी की सज़ा दी गई है। इससे पहले भी ये लोग एक और इसी तरीके के प्रकरण में इनको मृत्युदंड दिया जा चुका है। देखिए, इस केस के तथ्य ये थे कि 24 अक्टूबर 2016 को एक कानपुर चकेरी थाना के रहने वाले रमेश बाबू शुक्ला, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, लगभग 62 साल उनकी उम्र थी, उनकी हत्या इन लोगों ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे और गैर मुस्लिम की पहचान इन्होंने कैसे किया, उनके हाथे पर कलावा था और माथे पर तिलक लगा हुआ था, तो इन लोगों ने उनको सिर्फ एक काफिर होने की वजह से, इनकी ये सोच थी कि आईएसआईएस में किसी गैर मुस्लिम को मारना जिहाद में जायज है। तो हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर देखकर शिक्षक रमेश बाबू शुक्ला की 7 साल पहले हत्या कर दी गई थी। 7 साल पहले आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों ने स्कूल प्रिंसिपल को सिर्फ बंदूक टेस्टिंग करने के लिए गोली मार दी और वीडियो सीरिया भेज दी। इसी मामले में लखनऊ की कोर्ट ने दोनों आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। फैसले के बाद परिजनों ने कहा है कि वो खुश है कि उन्हें आखिरकार न्याय मिल गया है। आईएसआईएस से जुड़े कुछ लोगों से खुला के एनकाउंटर उनसे पता चला कि उन लोगों ने हिंदू की पहचान होने के कलावा और तिलक देख के उन्होंने पापा की हत्या सिर्फ टेस्टिंग के लिए की थी, पिस्टल टेस्टिंग के लिए की थी।